इतने साल हो गए माल्टा उठाते उठाते, पहली बार देखने को मिल रहा है कि 8 माल्टा एक साथ। तो पेड़ में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से निकल जाएंगे। क्योंकि हमारा पहली बार देखने को मिला माल्टा की उत्पत्ति मैंने की इस इलाके में। मम्मी पे ऐसे तगड़े कमेंट पड़ रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 9 और अभी मैं अपने माल्टा के पेड़ के नीचे, तो हमने कुछ माल्टा उठा दिए हैं, कुछ माल्टा यहाँ पे उठा दिए हैं और कुछ यहाँ पे उठा दिए हैं। तो इस बात से आपको अनुमान लग गया होगा आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग ना अपने माल्टे उठाने वाले हैं जो आपको दिख रहे होंगे। तो आज का काम होने वाला माल्टा उठाने का। तो अभी सुबह का खाना भी नहीं हो रखा है, खाने से पहले कुछ बहुत माल्टा उठा दिए हैं और खाना कंप्लीट करने के बाद आज पूरे दिन माल्टा उठाने हैं। तो चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। और आज पापा जी भी सुबह सुबह खेत पे जल्दी आ गए थे क्योंकि पापा जी ने कल प्याज के छोटे से पौधे लेके आ रखे हैं उनको खेत में लगाने के लिए। वहाँ से लगा दिए इस तरीके से, इतने कुछ पौधे हैं, इन को पानी डालेंगे और इतने से पौधे बचे हुए हैं ये, तो एक रूम में तो पूरे आ जाएंगे। और अपना काम भी सुबह सुबह हो गया, मैं भी पंचायत घर में जाके आ गया। जो भी बिच्छू घास लेके आ रखे थे वो मैंने धूप पर डाल दिए। आज का सर्दी के दिन है तो शाम को जल्दी धूप चली जाती है, इसलिए मैं क्या करता हूँ सुबह उठते ही सबसे पहले जाता हूँ और बिच्छू घास को धूप में डाल के आ जाता हूँ ताकि उसको अच्छे से धूप मिल जाए। और मौसम की बात करें तो बहुत प्यारी वाली धूप निकली हुई है और पूरा क्लीन आसमान हो रहा है। देखो आजकल बिल्कुल भी धुंध नहीं लग रही है, कुछ टाइम पहले धुंध लग रही थी, आजकल बिल्कुल क्लीन हो जा रहा है, तो बढ़िया हो गया। और सामने वाली पहाड़ी पर अपना गांव, जो लोग हमारे साथ नए जुड़े होंगे ना उनको हमारे गांव का नाम पता नहीं होगा, तो हमारे गांव का नाम है धरसों जो कि उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और गुरुद्वारा सीटा साहब के पास में बसा हुआ प्यारा सा गांव है। तो चलते हैं अब किचन पर, मम्मी ने सुबह का खाना ही बना दिया है। मम्मी ने दाल चावल ना पहले से डाल दिया क्योंकि भाई तो खाने लग गया, अब इसका काम है माल्टा उठाने का। अच्छा अजूबा कहाँ, अजूबा तो आपको एक अजूबा दिखाते हैं भाई, इतने साल से माल्टा उठा रहे हैं पर ये अजूबा पहली बार दिख रहा है। पूबू नमस्कार। एक छोटे से इसमें बिल्कुल इतने दाने कितने हैं, 2, 4, 6, 8 हो रखे हैं भाई एक ही पे। पहली बार देखने को मिला ऐसा कि एक साका भी 8 हो गए ऐसे करके। इतने साल हो गए माल्टा उठाते उठाते, पहली बार देखने को मिल रहा है कि 8 माल्टा एक साथ। पूबू तुम बोले देखिए पहली, ये तो बहुत ही अजब गजब की चीज है, देख रहे हो तुम क्या देखने को मिला। पहली बार ऐसा करता, हाँ देखो बूबू के मन पहली बार देखने को मिला माल्टा की उत्पत्ति मैंने की इस इलाके में। हाँ तुम्हारे यहाँ से माल्टा है ना बूबू, पर ऐसा माल्टा कैसे आ गया फिर? ये तो हमने कहा हो ही गए, प्रकृति ने बना दिया ना। एक किलो हो गया हमारे माल्टे के पेड़ एक से एक अजूबे हैं। देखो इसमें ये माल्टा पका हुआ है आपको दिख रहा होगा और बाकी ये देखो अभी हरा है, इतना छोटा सा है, ये इतने छोटे हैं, एक ही पेड़ में डिफरेंट डिफरेंट माल्टा। और कहीं तो इसमें ऐसा हो रहा होगा फूल भी आ रहे होंगे अभी, ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं। चाची के पेड़ में अलग अजूबे दिख रहे हैं और चाची ने यहाँ से खड़े खड़े उठा रखे हैं, 8-10 माल्टा आपको दिख रहे होंगे, यहीं से उठा दिए। इस तरीके से पकड़ो और उठा दो। पूरा काम स्टार्ट हो गया माल्टा उठाने वाला, तो यहाँ से माल्टा उठाएगा भाई। मैं तो जाऊँगा अपने काम पे, मम्मी पापा और भाई मिलके क्या करेंगे माल्टा उठाएंगे, और दिन में जब मैं आऊँगा ना उसके बाद फिर मैं भी माल्टा उठाने में हेल्प करूँगा। यहाँ पे अपने बैल बांधे हुए हैं धूप में और ये है योगी की बकरी, इसमें को छोटी सी पटी हुई थी मैंने आपको दिखाई थी ना, आजकल इतनी बड़ी हो गई 3-4 दिन में। ये देखो भाई चलने भी लग गई, आगे गया, आजा 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 आजा, ये शाबाश खुद मार, ये शाबाश दूध पीने लग गई भाई, इतनी क्यूट सी हो रखी है भाई। नीतू कहाँ जाना बताओ? पता नहीं, कुछ तो बोलो, पूछो बताओ कहाँ जाना है। दिया। दिया। दोनों आपस में डिसाइड करो कहाँ जाना है। चलो कहाँ चलते हैं, हल्द्वानी? हल्द्वानी से तो आ गई है शॉपिंग करके शादी की, कैसे देख रही है देखो। अभी हम लोग बिच्छू घास को ढूंढेंगे, ले बिल्कुल गधेरे में आ रखे हैं। जो आपको ये वाली बांस के पेड़ दिख रहे होंगे ना, इन पेड़ों में रात में मुर्गियाँ बैठती हैं क्योंकि नीचे पूरा गधेरा है, यहाँ से घूमते घूमते आती हैं। तो यहाँ से जाना है, कहीं नीचे जाएंगे, यहाँ से हम लोग जाएंगे इस वाले एरिया पे, तो यहाँ पे हमको कहीं बिच्छू घास मिल ही जाएगी। ये रहे बिच्छू घास के पौधे, तो इनमें ना दाने हो गए, हमको दाने वाले नीचे बिल्कुल पत्ते पत्ते चाहिए, थोड़े बहुत तो है इसमें, नए पत्ते हम ढूंढ रहे हैं, नए मिलेंगे नहीं, पर ये सारी जो बिच्छू घास है पूरी पुरानी वाली है, देखो ना पत्ते बहुत कम हो रहे हैं, पर कोशिश करते हैं इन्हीं में से ढूंढने का। नीतू का सपना है, तो क्या देखना है, क्या देखना तेरे को जल्दी बता दे,
अच्छा क्या देखना है इसको? नौला देखना है इसने। देखा नहीं आपसे पहले कभी? आजा फिर दिखा दो मेरे को। यहाँ का नहीं देखा है, चलो फिर इसने यहाँ का नौला नहीं देखा। यहाँ पे गाइस पानी का नौला, तो अभी वहाँ भी जाएंगे। पहले नौला देखना, बिच्छू का उठाने वाली बता। चलो फिर पहले नौला ही दिखा देते हैं। यहाँ पे ना जामुन के पेड़ हैं, तो इनमें बहुत सारे इसके फूल आ रखे हैं, तो सारी भरियाँ घूम रही हैं ऊपर से, पूरी आवाज़ आ रही है कानों पे। तो ये रहा नौला, तो इसी की बात नीतू कर रही थी, क्योंकि उसमें पानी भी है और साथ मछलियाँ भी हैं भाई, छोटी छोटी। अच्छे से देख लियो ठीक है। आवाज़ भी हो रखी है, तो हम यहाँ से उठा सकते थे। ये वाली पत्तियाँ अच्छी हो रखी हैं। तो हम लोग बिच्छू ढूंढते ढूंढते मजेड़ा पहुँच गए थे, और यहाँ हमने ढूंढी। हम लोग जहाँ गधेरे पे गए थे वहाँ पे ज़्यादा मिली नहीं, फिर हम लोग घरों के पास से लेके आए। इतनी सी मेरे पास है, उनके पास ये हो गई, बाकी राजा भाई के पास बड़ा कट्टा। हम लोग रोड पे भी आ गए हैं। अब हम लोग ये कल्पना कर रहे हैं कि कितना किलो होगा ये, कितने किलो होगा ये सोच रहे हैं। कितने किलो होना चाहिए? 5 किलो मेरे पास। नहीं तो कितने किलो होगा तुम्हारे पास? 2 किलो मेरे पास तो 1 किलो से कम होगा। दिन के करीब बज गए हैं 2, और अभी मैं घर पे आ गया हूँ। तो सुबह से माल टोड़ने का काम चल रहा है, तो देखो पीछे आपको कट्टे दिख रहे होंगे। तो इस तरह से माल्टा कट्टे भर चुके हैं, और पेड़ अब धीरे धीरे खाली होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस वाले पेड़ पे सुबह आपको माल्टे दिख रहे होंगे, देखो पूरे गायब हो गए, ये पूरे कट्टे में पैक हो गए भाई इस तरीके से। ये तो इस तरीके से माल्टे रखे भाई, ये देखो भाई इतने बड़े बड़े माल्टे। चाची जी तुम क्या कर रहे हो? मैं माल्टा टिप रहा हूं। माल्टा चाची हमें माल्टे कट्टे उठा रही है। आमा इस वाले पेड़ पे गई हुई है, देखो आमा दिखेगी भी नहीं। आमा बोलिए माल्टा खा रही हूँ, पर आमा आपको दिखेगी नहीं, देखो पूरी इसे ढक गई ना आमा। कमला तुम क्या कर रहे हो? बहुत बढ़िया, लाइक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आमा। चाची को नुकसान हो जाएगा। कितने माल्टे गायब कर दे तुमने सुबह से? 1, 2, 3, 4, 10 कितने का नुकसान हो गया बताओ? 40 का नुकसान कर दिया। गूगल पे करो आप, 40 रुपये गूगल पे। मैं गूगल पे यूज नहीं करती। कैश दे देना, कैश ले लेना कैश, जब तक 40 रुपये मिलेंगे जाने मत देना कमला को आप। और इधर की बात करें तो यहाँ के माल्टे उठा दिए, सुबह पूरा पेड़ भरा हुआ था, तो जिस टाइम भाई उठा रहा था, और अभी पूरा खाली हो गया, तो सारे माल्टे यहाँ पे आ गए। अभी हमारे खेतों की धूप भी जा चुकी है, तो अभी का काम है अपने भैंसों को यहाँ से घर ले जाने का, क्योंकि सुबह के टाइम ना हम उसको यहाँ पे बांध देते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी ऐसे धूप आ जाती है और दिन के बाद चली जाती है। अभी ये गोली के माफिक जाएगा, यहाँ तक बिल्कुल आराम से आते हैं, जैसे डाउन आता फिर बिल्कुल भागेंगे गोली बन के। चल 1, 2, 3 गोली बन। अभी देखो कैसे भागेगा, अभी ये देखो इसकी अलग लिखाड़ी है ये। मैंने दिन की चाय बना दी है, तो चाय है गुड़ वाली, आजकल तो सर्दियों के टाइम पे गुड़ वाली चाय ही रहेगी। माल्टा तोड़ दी तुमने सुबह से, और कितने तोड़ने हैं अभी? अभी तो बहुत तोड़ने हैं, बहुत तोड़ने हैं अभी। तो भी पापा जी सफाई पे लगे हुए हैं, एक हिस्सा तो दादा 2-3 हिस्से हो गए। सारे काम खत्म करके मैं आ गया हूँ खेत पे, तो अब मेरे पास कोई काम नहीं बचा, तो मैं माल्टे उठाऊंगा, क्योंकि मेरे पास काम क्या रहता है, बिच्छू घास काटना, उसको सुखाना, उसको स्टोर करना, सारा काम हो गया ना, तो अब माल्टा उठाने वाला काम बचा है, ये करते हैं। पेड़ में जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ तक मेरे हाथ पहुँचेंगे वहाँ से मैं तोड़ दूंगा इस तरीके से। ये बड़े पके हुए हैं, मम्मी का लुक देखो भाई आज, मम्मी का लुक क्या लग रहा है, मम्मी आज लोवर पे घूम रही है, ताकि मम्मी को माल्टा उठाने में आसानी होगी। तो मम्मी जहाँ तक पहुँच पा रही वहाँ तक मम्मी ने हाथ से उठाई, बाकी ये डंडा है ना इस पर मम्मी ने कील लगाई हुई है, इससे तोड़ रही है। माल्टा का नुकसान तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो फट जाएंगे ना पके हुए अच्छे से, और सब तक कुछ बहुत बच जाएंगे। कि पापा जी नीचे वाले खेत में है, पूर्ण वहाँ पर बैठ गया भाई खेत के किनारे पे, उसे सुबह से उठा रखे हैं माल्टे। वैसे बहुत कम कम माल्टे हो रखे हैं, देखो इस वाले पेड़ में 2-4 दिख रहे होंगे आपको, इसमें बस थोड़े बहुत होंगे 20-25 आने। पिछली बार तो हमारे ना 80-85 कट्टे हुए थे, इस बार तो उसका 1/3 होगा। यानी क्या हुआ, इस बार फल बहुत कम आ रखा है, संतरे में भी यानी कि नारंगी में भी, और माल्टे में। झोले में मम्मी के गिरा हुए माल्टे बिन रहा हूँ, बिने हुए थे, अब इनको झोले में रखते हैं, फिर झोले से कट्टे में रखेंगे। हेलो कटी टाइम बाद नैदू ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, ये कमांडर है, कमांडर भी हेलो बोल रहा ना। माल्टा खाची, माल्टा नींबू खाची, दुकान में कितू? तो देखो भाई कितू बहनी काफ़ी टाइम के बाद आ रही है, और अमा ठीक छे, मम्मी ठीक है, और पापा कहाँ सन? विदेश सन पापा। माल्टा टिपली, माल्टा टिपियार, क्लियन है दुकान में है इसका? अच्छा दुकान में क्लियन है, बता बता। टॉपी बिस्कुट है, तो फिर क्या ले जाएगी? 2 सैंडल फ्रूट। अच्छा और नमकीन, नमकीन और लूट मार। दो लूट मार, बहुत बढ़िया। क्या पढ़ा स्कूल में आज? अव्वा को खो क्या पढ़ा? हाँ। अव्वा को खो पढ़े, बढ़िया। काटने का कमांडर नहीं काटता है? अच्छा ये
ज्यादा ऊपर से माल्टे उठा रहे हैं, इकट्ठे हैं बाकी। योगी बहुत बढ़िया, बुआ नदी की जोड़ी। हाँ देखो, लक्ष्मण की जोड़ी है, राम लक्ष्मण की जोड़ी, बहुत बढ़िया योगी। के लुक को देख के दीपक भाई कंफ्यूज हो गए। इस वाले पेड़ से माल्टी उठा रही है दीपक भाई, यहाँ से देखा कि आखिर ये कौन है तुम्हें टिपला? हाँ उचोन से, तुम कहीं हो उचोन से? इस तरीके से खेतों में रखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर है तीन, दो तीन यहाँ पर हैं, तो सारे जब आएंगे ना पूरा भर जाता है वाला एरिया। ये सारे बुबू के नींबू नींबू है, मौज आ गया, बहुत बढ़िया। माल्टा कब टिपला बुबू? माल्टा कब टिपला बुबू? माल्टा ना देखने ना मम्मी पे ऐसे तगड़े कमेंट पड़ रहे हैं। जेंटलमैन मम्मी को देख के मैं भी सौंक गया। मैंने कहा ये कौन है? पहले मैंने भी नहीं पहचाना, जब मैं सामने गया तब देखा, मैंने कहा तो मम्मी है यार। यहाँ से हम लोग गाड़ी लोड करेंगे, इसलिए सारे कट्टे हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे सिलेंगे। अभी पापा जी और मेरा काम है छोटे वाले नींबू तोड़ने का, तो पापा पूरे पेड़ को हिला दे रहे हैं। देखो जितने पके नींबू होंगे ना सारे नीचे गिर जाएंगे। गलती क्या हो रही है ना, इसके साथ कुछ ना कच्चे नींबू भी निकल जा रहे हैं। ये छोटे वाले नींबू रहते हैं, ये कच्चे वाले भी गिर जा रहे हैं, पर क्या कर सकते हैं। जिस देखिए पके पके गिरे तो इसमें कील लगा रखी है, जो बच जाएंगे ना उसको इस तरीके से पकड़ूंगा मैं और ऐसे करके निकालूंगा। इनको हिलाने के बहुत सारे नींबू गिर गए हैं, अब इनको बीनना पड़ेगा टोकरी में, उसके बाद इनको कट्टे में पैक करना पड़ेगा। बाकी सभी पेड़ हम लोग जा सकते हैं, बस छोटे वाले नींबू के पेड़ में नहीं जा सकते क्योंकि इसमें बहुत महीन महीन कांटे होते हैं। ये देखो भाई इतने पास पास छोटे छोटे कांटे लगे रहते हैं, अगर चले गए ना इंसान तो पूरा छिड़ जाएगा। नींबू गिर गए इस तरीके से, पके हुए भी गिर रहे हैं, कच्चे भी गिर रहे हैं, अभी सारे बीनने पड़ेंगे। तेरे को मैं 10 रुपये देगा, चलो फ्री में काम कर फिर, चल बीन, भगवान तेरा भला करेगा। यहाँ से इस तरीके से बीनते हैं और यहाँ इकट्ठा करते हैं, बाद में भरेंगे इनको। यहाँ पे उठा रहे हैं पप्पूदा नींबू, तो क्या कहना चाहोगे आप? एक तो बिच्छू लग रही है, नींबू के कांटे चुभ रहे हैं, तो सोच रहा हूँ किस बात का दुख मनाऊं। ढूंढ रहा हूँ सोना, इसको बेच के अपन सोना ला। शाम के करीब 6:30 हो रहे हैं और अभी का काम किया है कि जो माल्टे हमने दिन में तोड़े थे ना उनके कट्टे पापा सिल रहे हैं यहाँ पे, उन कट्टों को यहाँ से रोड में लेके जाएंगे भाई और मैं, फिर वहाँ से वो लोड होगा। जितने कट्टे आप माल्टा के उठाए थे उसमें सारे सिल दिए, बस एक दो बचे हुए हैं, तो अभी मम्मी ने शाम का खाना ही बना दिया है। तो अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि हमारे कितने माल्टे हुए थे, यानी कि हम लोग कल सुबह जाएंगे रोड पे, तभी आपको देखने को मिलेगा। जी बनाई हुई है मम्मी ने पालक और अरबी की मिक्स, और ये रहा अपना दूध। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, साथ अपने दोस्तों के साथ परिवार के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय देव भूमि, जय उत्तराखंड।